Assalamualaikum. How are you today, dear kids? Hopefully you are fine and good. I'm also fine and good. Now let's start our study. So one thing I want to tell you that before start your writing work, before start your study, you have to know the date and date of that day, okay? Like, you should know the date and day of today, then go to the work. Special parents, remember that thing. आप अपने बच्चे को day to day पहले बताया करें, उसको लिखवाया करें और उसके बाद काम शुरू किया करें. Okay? Now we'll discuss the date of today. Today the date is 28 July 2020. All right? 28 July 2020. Now we'll discuss the day. टुडे द डे इज मंगल. अब मंगल किस लिखना है? पहले मीम की आधी शक्ल, उसके साथ नून की आधी शक्ल और फिर गाफ की आधी शक्ल और साथ में लाम. ये है मंगल, ठीक है? ये आज की तारीख है और ये आज का दिन है. अब हम अपने स्टडी स्टार्ट करते हैं. आपने जैसे नंबर पढ़े हैं मैथ्स में, उसके बाद आपने हिंदी में गिनती पढ़ी है, आज आप गिनती लिखेंगे. जी, आज आप गिनती लिखेंगे हरूफ को जोड़ के, ठीक है? अल्फाज में गिनती लिखेंगे. ये देखें, ये है अलिफ, ये है ये की आधी शक्ल, अलिफ ये ए और ये के तहत दोस्ती हुई है काफ की. ये बन गया अलिफ, ये काफ, एक अलिफ, ये की आधी शक्ल और काफ एक. दालवाओ दो, दालवाओ दो, ते की आधी शक्ल फिर ये की आधी शक्ल इसके साथ जोड़ी, ते ये ती, नून तीन, ते ये ती, नून तीन. फिर उसके बाद है जे की आधी शक्ल, जे के साथ दोस्ती हुई अलिफ की, जी अलिफ चा रे चार, जी अलिफ चा रे चार. अब ये पे के साथ अलिफ की दोस्ती हुई, पे अलिफ पा, नून जे पांच, पे अलिफ पा, नून जे पांच. एंड दैट वाज योर ओरल काउंट. नाउ you have to start your study. So start writing. First write down alif, ab ye ki aadhi shakal, alif ye e aur iske sath dusri hui kaf ki, alif ye e kaf ek, alif ye e kaf ek, alif ye e kaf एक. एक के बाद आप लिखेंगे दो, दाल वाव दो. दाल की आधी शक्ल नहीं होती, ये सब हरूफ के पास खड़ा होता है. वाव की आधी शक्ल नहीं होती तो हम इसको इन दोनों को साथ साथ खड़े करेंगे, दाल वाव दो, ठीक है? दाल वाव दो. हम लिखेंगे तीन, पहले हम बनाएंगे ती की आधी शक्ल, ठीक है? ते की आधी शक्ल के साथ दोस्ती होगी ये की आधी शक्ल की, ते ये ती. अब इनका सबसे प्यारा वाला दोस्त आएगा नून, ते ये ती नून तीन, ते ये ती नून तीन, ते ये ती नून तीन. आप लिखेंगे चार, जे की आधी शक्ल, ठीक है? इसके साथ किसकी दोस्ती होगी? अलिफ की, जे अलिफ चा और साथ में खड़ा होगा रे चार, ठीक है? जे अलिफ चार रे चार, अलिफ चार रे चार, जे अलिफ चार रे चार. अब आप लिखेंगे पाँच स्क्वायर, इज लिटल बिट डिफिकल्ट, ठीक है? पी की आधी शक्ल, साथ में दोस्ती का अलिफ की, पे अलिफ पा. अब हम नून की आधी शक्ल लिखेंगे, ठीक है? नून के साथ हम लिख देंगे पूरा जे, पे पा नून जे
पांच, पे अली पानून छे पांच। अगेन यू विल राइट दिस हियर। फिर हम लिखेंगे एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, ये राइटिंग प्रैक्टिस हम पूरे पेज पे करेंगे। पहले लिखेंगे अलिफ, उसके साथ दोस्ती होगी ये की, अलिफ ये ए, और साथ में दोस्ती होगी काफ की, अलिफ ये ए काफ एक। दालवाओ दो, ठीक है, ते की आधी शक्ल ये की आधी शक्ल, ते ये ती, अब दोस्ती होगी नून की, ते ये ती नून तीन। अब चे की आधी शक्ल, उसके साथ दोस्ती होगी अलिफ की, चे अलिफ चार ए चार। अब पे की आधी शक्ल और अलिफ, पे अलिफ पा नून की आधी शक्ल, और साथ में दोस्ती हुई चे की, पे अलिफ पा नून चे पाँच। आज हमने क्या पढ़ी है, गिनती, अल्फाज में गिनती। अपने पूरे पेज पे इसी की राइटिंग प्रैक्टिस कैरी ऑन करनी है, ठीक है। आपने इस प्रैक्टिस के बाद ये काम अपने रफ कॉपी पे भी करना है, और रफ कॉपी पे कहीं से देख के नहीं करना, आपने बाय सेल्फ ही राइटिंग करनी है, ठीक है। सो दिस इज योर टुडेज वर्क, नाउ इट्स टाइम, नाउ आई विल सी यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।